अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन है। जो लोग कहते हैं कि हमें गैस हवा अफारा बनता है खाना खाने के बाद, वो गले की तरफ वापस आने लग जाता है, उल्टियाँ आती हैं, मैदा भारी रहता है, या मैदे में गुड़गुड़ाहट होती है, या गले की तरफ खाना रिवर्स होता है, या कब्ज़ हो जाती है, या थोड़ा सा खाना खाने से ऐसा लगता है कि पेट फुल भर गया है। तो इस किस्म का कोई भी मसला हो या शोर घबराहट हो, बेचैनी हो, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ये मेडिसिन ले लेनी है और बापरहेज इसे को खाना है, तो इंशाल्लाह 5 से 10 दिनों में आप रिकवर हो जाएंगे। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है लिब्रेक्स। लिब्रेक्स जो है ये मीडा फार्मा की है, ये गोली आपने ले लेनी है। क्लोर डाइपोक्साइड इसका फार्मूला है 5 मिलीग्राम प्लस 2.5 मिलीग्राम, ये परचेज़ कर लेनी है बाज़ार से। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है ये है जी प्राइड लीवोसल्फीराइड है इसका फार्मूला, ये ग्लिट्स फार्मा की है, ये भी आपने परचेज़ कर लेनी है। तीसरे नंबर पे जो है मेडिसिन है वो है रेडियम 40 मिलीग्राम, इसका फार्मूला मेप्राजोल है, ये आपने परचेज़ कर लेना है। तीसरे नंबर पे जो शरबत है ये है एलसिड एक्सेस फार्मा का एंटी एसिड है, ये परचेज़ कर लेना है। तो एक एक गोली खानी है आपने सुबह शाम, 2-2 चम्मच सुबह शाम पीने हैं। बाकी रही बात कि अगर आपको ये सेम नेम में मेडिसिन नहीं मिलती तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ओमेप्राजोल फार्मूला परचेज़ कर लेना है, लीवोसल्फीराइड फार्मूला परचेज़ कर लेना है, क्लोर डाइपॉक्साइड फार्मूला परचेज़ कर लेना है, और एंटासिड फार्मूला परचेज़ कर लेना है किसी भी अच्छी कंपनी में। तो वो आप सुबह शाम बाप रहेज़ खाएँ, आपकी एसिडिटी, APD, IBS और गैस्ट्राइटिस ये सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो आपने मेडिसिन भी खानी है, साथ साथ परहेज़ भी करना है। परहेज़ में आपने चाय, अंडे, अचार, गोश्त, समोसे, पकौड़े, मिठाइयाँ, गर्म चीज़ें और ओवर ईटिंग और होटलिंग से और फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज़ करना है, दूर रहना है। तो आपने ये मेडिसिन खानी है और परहेज़ भी करना है, तो देखेंगे इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में आपको फाका आएगा, नज़र आएगा वाजह तौर पर, और आप कहेंगे कि हमारा स्टमक जो है बिल्कुल लाइट सा हो गया है। तो जनाब ये मेडिसिन परचेज़ करें और खाएं, और जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम हो, ABS हो, IBS हो, APD हो या गैस्ट्राइटिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे बिला झिझक बताएं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस मेडिसिन का, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मेडिसिन परचेज़ करके खाएँ जनाब, और स्टमक प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, जज़ाकअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, शहबाज़ अहमद।